आप हैं श्री सचिन शर्मा जी, फर्म बालाजी एग्रो फूड्स एवं गिन्नी नेचुरल प्रोडक्ट्स। आप चावल के थोक विक्रेता एवं नेचुरल तरीके से तेल निकालने का व्यवसाय करते हैं। आप सन 2010 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। आप समाज सेवा में रत प्रतिष्ठित व्यवसायी, सरल हृदयी, हंसमुख, शांतचित स्वभाव एवं मिलनसार, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं। आपके समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञाति है कि सम्मान करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कड़ी में आज ऐसे व्यक्ति का मैं साक्षात कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। वो ऐसा व्यक्ति आज ईशो से ऊपर मैं सम्मान कर चुका हूँ। आज ऐसे व्यक्ति के पास आया हूँ जिनको करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता खुशी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है जो दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में संयुक्त मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और मंत्री पद को सुशोभित कर ही रहे हैं अब इस उम्र में, जबकि मुझे 54 साल यहाँ नया बाजार में हो गया है और पदाधिकारियों का सम्मानित करते हुए राइटियां प्रकाशित करते हुए, जैसे आप सबको ज्ञात ही है, पर इस उम्र में इतनी छोटी उम्र में संयुक्त मंत्री पद को सुशोभित करना एक विशेष गौरव की बात होती है। तो मैंने जैसे वो कहा कि मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ मंत्री साहब, तो पहले एक लोग क्या कहा, अलंकल जी पहले तो यह शब्द निकालो सम्मानित करना चाहता हूँ, ये मुझे कहिए कि मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। नंबर एक, नंबर दो, जो आप साफा या पगड़ी पहना के जो सम्मानित कर रहे हैं वो मैं आपसे सम्मानित नहीं करवाऊंगा, कारण कि आपका आशीर्वाद चाहिए, याद आप रखेंगे तो बड़ी पीछे आ जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और मैं इस उम्र से, विशेष बात, इस उम्र में इतने काम कर रहे हैं इनके, उससे मैं एक एक गिनाऊ तो मेरा ही इंटरव्यू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इनके द्वारा मैं आप सुने और अनुभव करें। मैं तो शुभकामनाएं दे रहे हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ और आप भी उनको आशीर्वाद दें, ऐसी मैं विनती आप लोगों से आग्रह करता हूँ। वो व्यक्ति है श्री सचिन शर्मा, दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनका आज साक्षात कर रहा हूँ। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। जो आपने कहा वही मैंने स्वीकार किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अच्छा लगा कि आपने ये जो कहा, देखो मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आज इतना आपको करते हैं, मुझे व्याख्या में कह रहा हूँ, पिताजी से मेरा संपर्क, हाँ उन्होंने मुझे बताया, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। और तुम्हारे से, तुम्हारे कहूंगा कि तुम्हारे संपर्क मेरा बहुत कम रहा, बाकी आज मंत्री पद होते हुए मुझे आप भी कहने में गर्व होता है, इसलिए कि मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, संयुक्त मंत्री पद पे है, इसलिए मैं आप भी संशोभित कर सकता हूँ, संबोधित कर सकता हूँ, क्या मंत्री पद पे, इसलिए आज इतनी मुझे खुशी हुई। इस उम्र में आपने क्या क्या, पहले चावल का व्यापार पिताजी, हाँ बहुत पुराना व्यापार है, पुराना व्यापार है, आपने कैसे आए, किस तरह व्यापार कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो मेरे को तो सुनकर के आश्चर्य हो रहा है। मैं चाहता हूँ व्यापारी भाइयों को और सवाल में भी जो आप कार्य कर रहे हैं, मुझे सबसे बढ़िया जो तेल का जो लगा ही है, जो आइटम जो आपने शुरू कर रखा है, बादाम का तेल, गिरी का तेल शुद्ध, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश जरूर डालिएगा, जिससे समाज को और व्यापार को दोनों को लाभ हो। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आप कंज्यूमर को कंपनी को नहीं दे रहे, विशेष बात आप रखिए, इसमें भी आप प्रकाश डालें, पूरे व्यापारी समाज को संचालित कर पा करें। नमस्कार सभी व्यापारी भाइयों और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और वीडियो से शुरुआत में ही मैं आप लोगों से आशीर्वाद की उम्मीद रखता हूँ और बाद में भी रखूँगा। तो जैसा कि बाबूजी ने बताया, ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है,
सिर्फ बुजुर्गों का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। मैंने एक्चुअली 2006 में अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद 2007 में मैं अपनी ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए न्यूजीलैंड चला गया था, वेलिंगटन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई 3 साल पूरी करी। उसके बाद मेरे पास वहाँ रहने के वर्क परमिट्स थे, रेसिडेंसी वीज़ाज थे, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने देश ही चलता हूँ और वहाँ एक खोज करूँगा। एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है पर रेसिडेंसी न्यूजीलैंड की थी, तो मैंने उसको इग्नोर करते हुए अपने देश वापस आया। बहुत अच्छा। 2010 में मैंने बाजार में अर्ली 2010 में एंट्री करी, जिसके हिसाब से मैं अपने 9 साल पूरे कर चुका हूँ और 10वें साल में चल रहा हूँ। और अर्ली 2010 में जब मैं इसमें एंट्री करी तो हमारा मुख्य जो बिजनेस था वो एक्सपोर्टर्स को फीड करना था, एक्सपोर्टर्स से डील करने का ही था। तो अभी भी हम एक्सपोर्टर्स को ही डील करते हैं, एक्सपोर्टर्स को ही फीड करते हैं, एक्सपोर्टर्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन हम उनसे डील करते रहते हैं। अर्ली 2019 इस साल शुरुआत में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग स्टार्ट करी, जो कि करीबन 1.5 साल से चल रही थी। हमने उसको लॉन्च 2019 में कर दिया। वो था कोल्ड प्रेस ऑयल। वो इसलिए था क्योंकि मैं खुद हेल्थ कॉन्शियस हूँ और मेरी फैमिली भी हेल्थ कॉन्शियस है, क्या खाना है, कैसे खाना है, किस वक्त खाना है, कितना खाना है, ये सब चीज़ों का एक मैप बना हुआ, एक चार्ट बना हुआ है। तो इसको देखते हुए हमने कोल्ड प्रेस ऑयल स्टार्ट करे। कोल्ड प्रेस ऑयल्स का आइडिया मुझे न्यूजीलैंड से ही आया, क्योंकि वहाँ के लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं और जिसमें ऑयल यूज़ करते हैं वो कोल्ड प्रेस होते हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल और हॉट प्रेस ऑयल में ये फ़र्क होता है, कोल्ड प्रेस ऑयल को निकालते समय जो उसका टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 30 डिग्री तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। और जो हम बाजार में तेल खरीदते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो सब 260, 300, 350 डिग्री तक जाते हैं। अच्छा जी। उनके न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं, जो कि प्रॉपरली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज में बैन है। आप नहीं कंज्यूम कर सकते ना, बेच सकते, क्योंकि वो जानते हैं उसको वहाँ की भाषा में सिंपली रिफाइंड कहते हैं। रिफाइंड वो चीज़ होती है जिसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती उससे कुछ निकाला जाए, उसको रिफाइंड कहा जाता है। इसलिए मैंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग में सबसे पहले जो हमारे इंडियंस में आप सबसे ज़्यादा सरसों का यूज़ होता है, उसको हम पीली सरसों के रूप में कोल्ड प्रेस ऑयल लेके आए, फिर कोकोनट लेके आए, मूंगफली लेके आए, बादाम लेके आए, अखरोट लेके आए, कलौंजी, कैस्टर, पम्पकिन, पिस्ता, इन सब ऑयल्स को लेके आए, सनफ्लावर्स लेके आए और डायरेक्ट फ्यूज कर। सारे तेल का आपका, हाँ सारे तेल का है और ये B2C है, सिर्फ कस्टमर से डील होती है, किसी कंपनी से डील इसमें नहीं होती। इसमें सिर्फ B2C है, सिर्फ कस्टमर से डील होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, 100% नेचुरल है, कोल्ड प्रेस है, हम इनको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, इनको पी भी सकते हैं, इनको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, किसी भी तरीके से इनके कोई नुकसान नहीं है, हर तरीके से। और इसी को देखते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर खुद मेरे पास आए थे, मेरे जो शॉप बनी हुई है वहाँ पे आए थे, और उन्होंने खुद एक आर्टिकल पेज नंबर 10 पे संडे के आर्टिकल में छापा, हाँ, कि कोल्ड प्रेस का पहला प्रोजेक्ट दिल्ली में लगा है। इससे पहले जो कोल्ड प्रेस मिलते हैं वो मोस्टली ऑनलाइन ही मिलते हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से ऑनलाइन भी मेरे यहाँ से सप्लाई हो रही है, हाँ, वो मुझसे ले जाके आप लोग वो ऑनलाइन दे रहे हैं। तो ये है, इसके साथ साथ आटे का भी हमने छोटा सा एक प्रोजेक्ट लगाने की प्लानिंग चल रही है, अभी चल भी रहा है, उसकी टेस्ट रन पे चल रहे हैं। और अभी 2 महीने पहले हमने शूज़ इंडस्ट्री में भी एंट्री करी है, हाँ, स्पोर्ट्स शूज़ इंडस्ट्री में एंट्री करी है, जिससे मैंने जो कोरियन मशीनें हमने बाहर से मंगाई हैं, अपर निटिंग मशीन्स होती हैं, और उससे हम स्पोर्ट्स शूज़ के ऊपर का अपर स्टिच करते हैं। पहले काम मैनुअल होता था, जब से कोरियन मशीन आई है ऑटोमेटिक प्लांट होता है, कुछ नहीं करना, तो अपने आप वो प्रोडक्शन में कंप्यूटर में एडिट कर दो और वो चलती रहती है। तो हमारे ये प्रोजेक्ट हैं, छोटे से चल रहे हैं, और नए बाजार से तो नाता बहुत पुराना है, ये तो अंधाता है, तो यहाँ से कहीं जाना नहीं, यहाँ छोड़ना नहीं। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे भाई बैठ रहे हैं, कजन बैठ रहे हैं, एक पे पापा बैठ रहे हैं, लेकिन मैं रेगुलर नए बाजार आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे एक दायित्व है नए बाजार का, और मैं अभी नए बाजार से कहीं जा नहीं सकता, तो इसलिए मैं नए बाजार का काम देख रहा हूँ। बाकी फैमिली भवाना में फैक्ट्री शूज़ की है, वहाँ पे और लोग चले जाते हैं, और ऑयल वाला जो काम है यहाँ पे वहाँ पापा बैठ जाते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। घी का भी उपयोग, जैसे घी का उपयोग, भाव जी अगर आप मेरी सलाह माने तो मैं पर्सनली ये कहूंगा कि घी ना खाओ, घी ना खाओ, क्योंकि घी की श्योरिटी प्योरिटी कुछ नहीं पता अभी, कोई उसकी लैब रिपोर्ट नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रही। और मैं खुद भी घी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को कॉस्ट 2000 रुपये की आ रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है 200, 300, 400 रुपये में घी बनता कैसे और बिकता कैसे, वो भी एडवर्टाइजमेंट करके। उससे बेटर मैं सभी लोगों को कहता हूँ, आप अपने हिंदुस्तान की फसल का पीली सरसों का शुद्ध कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करो, घी वी की कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। आप उसको प्रॉपरली यूज़ करो, खाने में यूज़ करो, पराठे में यूज़ करो, पूरी में यूज़ करो, तब तरीके से वो शुद्ध है। सरसों का या पीली सरसों का तेल, पीली सरसों का, हाँ, उसे घी में उपयोग कर सकते हैं इसको, बिल्कुल जैसे अपन पराठे बनाते हो, आप उसमें यूज़ करो, पूरी में यूज़ करो। कुछ ज्यादा और लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, कुछ जिमिंग टाइप लोग होते हैं, मेरे ग्रुपिंग में जैसे जिमिंग टाइप लोग हैं, वो लोग पीनट ऑयल यूज करते हैं टेस्टिंग में, और भी कोई फर्क नहीं, घी का जैसे पराठा खाते हैं या इसका पीली सरसों जैसा, किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अगर आपके मन में आप बना रहे हो, आपको पता हो तो ठीक है, लेकिन आप बना के किसी और को दे दो,
तो कोई नहीं बता ये सकता। पता चलता अभी टीका है या नहीं, तेल का है। हाँ, हिंदुस्तान की जो फसल है पीली सरसों, और उसको हम कोल्ड प्रेस से निकाल दें तो उससे शुद्ध हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। ऑलिव ऑयल ये रोहिणी में ही हमने आउटलेट बना रखा है इसका, रोहिणी सेक्टर 9 में। और दूसरा आउटलेट हम बहुत जल्दी अशोक विहार में पंजाबी बाग में ट्राई कर रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, हम जल्दी जल्दी इसको लॉन्च करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि 2020 तक उसको लॉन्च कर दिया जाए। बहुत अच्छा, आपने शुरू किया। ये हेल्थ कॉन्शियस है, जो लोग आज समझ जाएंगे हेल्थ को लेके ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जानते हो इंडिया में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब प्रॉब्लम जो है खाने से है। ऐसा कुछ नहीं हम लोगों को टेंशन है, बाहर के लोगों को टेंशन नहीं होती, सबको टेंशन होती है, व्यापार की, परिवार की, घर की, अंग्रेजों को भी होती है, पर हम गलत इतना खा जाते हैं जिसका कोई कंट्रोल नहीं कर पाते, और बाद में वो हमारे को बीमारी की शेप ले लेता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, क्योंकि शरीर ही साथ रह जाएगा, बाकी सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप ये एसोसिएशन में जो ये जैसे मैंने बताया कि शुगर में मेरे ख्याल से कोई अभी नहीं, अब मेरे ख्याल से भी शायद अभी तक ऐसा मैंने देखा नहीं कि 30 साल की उम्र में कोई। ये आपका कैसे आला हुआ, किस तरह का ये आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बाबा का चमत्कार रहा, ठीक है मन में आया, क्योंकि मैं 3 साल से जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ का भी प्रधान पद संभाले हुए हूँ। अच्छा। हाँ, उधर का ही प्रधान पद मैं 3 साल से संभाल रहा हूँ, वहाँ का कारोबार देख रहा हूँ, करीबन 600 लोग रहते हैं वहाँ पे, और रिटायर्ड IAS से लेके जज, स्टेट सभी टाइप के लोग रहते हैं, तो मैं उस टाइप को संभाल रहा हूँ। उसी चाहत में मैंने यहाँ भी आने की कोशिश करी, यहाँ भी कुछ करके देखते हैं, कुछ बाजार के लिए कुछ डिफरेंस, कोई नए प्रोजेक्ट, नई प्लानिंग ला के लेके आए, तो कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, उनके सपोर्ट सिस्टम में हम लगे हुए हैं, जितना बेस्ट से बेस्ट होगा आप लोगों को देंगे निकाल के। फिर थोड़ा सा मेरे और बिजनेस भी, मैंने 2019 में 2 प्रोजेक्ट बड़े लगाए और स्टार्ट करे, तो थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा हो गया जिसकी वजह से टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन रहती है। सचिन बाबू, आपसे आज साक्षात करके बहुत खुशी हो रही है, और व्यापारी भाई इसका कोई पूरा फायदा उठाएंगे, और व्यापारी भाई के साथ साथ मेरा समाज भी अच्छा है, रहे दबदबा, जगह के नीचे सबका आशीर्वाद है, बिल्कुल है, वो भी इसका लाभ उठाएंगे। और मुझे विशेष ये जो आपका तेल का जो प्रोजेक्ट है, पीली सरसों, बादाम, जितने भी है आइटम, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपने निकाल के। नहीं, समय सब कुछ आपका दिया हुआ है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आने के लिए।